स्वच्छ और निर्मल गंगा घाट, कानपुर का भैरव घाट। जी हाँ, ये नज़ारा कानपुर के भैरव घाट का है। अब आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहूँगा जो शायद आपको भी अटपटा लगेगा। इस घाट पर आने वाले, दर्शन करने आने वाले, गंगा नहाने आने वाले लोगों के लिए ये डायरेक्शन बोर्ड यहाँ पर संबंधित विभाग द्वारा लगाया गया है। बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। अब इसमें आपको कुछ ऐसा देखना दिखाना चाहूँगा, जैसे इसमें लिखा है पेयजल, वस्त्र परिवर्तन, शौचालय और स्नान घाट। स्नान घाट तो चलिए, ये आपका ये है स्नान घाट। वस्त्र, शौचालय आपका स्टेयर से ऊपर जाने पे मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज वस्त्र परिवर्तन। वस्त्र परिवर्तन जहाँ पर लोग नहा के आते हैं, उसके बाद में महिलाएं हों या पुरुष हों, उनके लिए यहाँ पर कपड़े बदलने के लिए जो स्थान बनाया गया है, अब उस तरफ आपको लेके चलता हूँ। ये वो स्थान है जहाँ पर महिलाओं का वस्त्र परिवर्तन रूम बनाया गया है। आइए आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। वस्त्र परिवर्तन महिलाओं के लिए बनाए गए संबंधित विभाग द्वारा वस्त्र परिवर्तन भवन का हाल देखकर आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इतना बदबूदार कमरा और वहीं पर बैठे लोगों द्वारा ये भी संज्ञान में आया कि पिछले 6 महीने बीत गए हैं, यहाँ पर कोई भी विभाग का आदमी सफाई करने नहीं आया। इस भवन की ऐसी हालत है, क्या कोई नहाकर स्नान कर इस कमरे में इस तरह खड़े होकर क्या वो वस्त्र बदल सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि गंदगी का आलम इस कदर है कि जहाँ पर खड़े होना मुश्किल है, वहाँ पर आदमी वस्त्र परिवर्तन कैसे कर सकता है? जरा सोचिए, जिस घाट पर आज हर तरीके का व्यक्ति सुबह से शाम तक आता है, स्नान करता है, उस जगह पर डायरेक्शन बोर्ड, अगर कोई आउटसाइडर है, डायरेक्शन बोर्ड देखकर अगर वो वस्त्र परिवर्तन करने के लिए कोई महिला यहाँ पर आती है तो यहाँ का हाल देखकर उस पर क्या गुजरेगी? स्थानीय लोगों से ये भी संज्ञान में आया कि पिछले 6 महीने बीत गए हैं, यहाँ पर कोई भी संबंधित विभाग का कर्मचारी नहीं आया झांकने, नहीं हुई है इस कमरे की सफाई 6 महीने से। जहां एक तरफ कोरोना महामारी की वजह से संपूर्ण विश्व लड़ रहा है और रख रहा है आसपास वातावरण में सफाई, वहीं दूसरी पर बड़ा सवाल ये उठता है कि किस तरीके से इस महिला वस्त्र परिवर्तन कक्ष की हालत देखी जा सकती है। मौके पे ही मौजूद यहीं के ही स्थानीय निवासी जो यहीं पर रहते हैं 24 घंटे, जब हमने उनसे ये जानने की कोशिश की कि इस महिला वस्त्र परिवर्तन के कमरे की सफाई कब से नहीं हुई है, तो आइए जानते हैं उनका क्या जवाब रहा इस सवाल पर। भैया, आपका क्या नाम है? अमित। अमित जी, ये जो रूम बना हुआ है, चेंजिंग रूम, जहाँ पर ये महिलाओं के लिए ही बना हुआ है, इस पे सफाई कब से नहीं हुई? क्या ये मान के चलिएगा कि ये हो गए कम से कम 5-6 महीने, तब से ये 5-6 महीने में कोई सफाई कर्मचारी यहाँ पर? कर्मचारी आते हैं लेकिन वो सफाई उसके अंदर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, कुछ जवाब दिया उन्होंने? ये तो हम तो साफ इसको नहीं जानते हैं। जी जी, क्या आपके सामने कभी ऐसा वाकया हुआ है कि सफाई कर्मचारी ने बोला हम नहीं करेंगे यहाँ पर काम? नहीं, बोला तो दो तीन दफे चाची लोगों ने बोला है। इसके अलावा और जगह साफ सफाई करते हैं वहाँ पर? करते हैं लेकिन वो थोड़े बहुत करते हैं, जो पाइन अपना करें, क्योंकि 6-6 हज़ार रुपये महीने तनख्वाही मिल रही, लोग सब ठेके पे हैं। ठेके पे हैं। जी जी जी, तो अपना थोड़ा बहुत करें, जो पाइन अपना कर कुराक भाग गए। वाले घर पे कुछ महिलाओं की भी दिक्कतें होती हैं, जो महिलाएं अपने कपड़े उतारती हैं जी, तो उनको ये डस्टबिन में डाल देना चाहिए, तो ये महिलाएं कुछ डालती नहीं, वहाँ छोड़ देती हैं। जी जी, वो भी बहुत गलत। हाँ, तो ये लड़के जो हैं, जो यहाँ कर्मचारी जो काम करते हैं, समझ गए हम आपकी बात, तो ये उतना ही करते हैं जितना इनको पैसा मिल रहा है, ये थोड़ा बहुत करे भाग गए।
दो घंटे ढाई घंटा।